अपनी कड़क आवाज के साथ स्पेशल डायलॉग डिलीवरी के लिए राजकुमार प्रसिद्ध थे। उनका जानी कहकर के जो डायलॉग बोलने का अंदाज था उससे लोग झूम उठते थे। आपको पता हो तो सफ़ेद जूते राजकुमार की विशेष पहचान बन चुके थे और जब भी किसी भी फिल्म में सफ़ेद जूतों की एंट्री होती थी तब पूरा थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। ऐसे ही विशेष अंदाज के साथ एंट्री मारते थे राजकुमार, जो दुश्मनों के विलेन की धड़कनों को बढ़ा देते थे। राजकुमार अपने बेबाक अंदाज और अखड़ मिजाज के लिए जाने जाते थे। एक बात और जो आज तक कोई भी अभिनेता नहीं कर पाया वो राजकुमार करते थे, वह अपनी हर फिल्म के रिलीज के बाद अपनी फीस बढ़ा देते थे। चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, इसका राजकुमार पर कोई असर नहीं होता था। और फीस बढ़ाने का वो लॉजिक देते थे कि जानी फिल्में फ्लॉप होती हैं, राजकुमार नहीं। और राजकुमार वास्तव में ही अपनी फिल्में जबरदस्त अभिनय करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय के शोमैन राज कपूर राजकुमार को हत्यारा कहते थे। ऐसा क्यों कहते, चलो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब प्रेम चोपड़ा की शादी हुई थी तो उस शादी की पार्टी में सभी स्टार आए थे और उन्हीं सितारों के बीच में राज कपूर ने राजकुमार को हत्यारा कहा था। और इसके हत्यारा कहने के बाद राजकुमार ने बड़ी ही शांति से कहा था कि मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था, आप मेरे पास आए थे। ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यह था कि राज कपूर अपनी प्रसिद्ध आवारा फिल्म में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे और वो उनके पास गए भी थे, लेकिन राजकुमार ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके कारण राज कपूर नाराज हो गए थे। और इसी की भड़ास उन्होंने शराब के नशे में प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में गाली देते हुए राजकुमार को हत्यारा कहा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आए थे, मैं काम मांगने नहीं गया था, चाहे मैं हत्यारा हूँ या नहीं हूँ। लेकिन राज कपूर ने उन्हें हत्यारा क्यों कहा इसके लिए हम आपको बताते हैं। दरअसल राजकुमार फिल्मों में काम करने से पहले मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे। जब वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे तो एक समय जब वो रात को आ रहे थे तब चार पांच लड़कों ने राजकुमार की गाड़ी को घेर लिया था। वो लड़के राजकुमार के साथ बदतमीजी करने लगे, जिसके कारण राजकुमार को जबरदस्त गुस्सा आ गया और इसी गुस्से के कारण राजकुमार उन लड़कों को बुरी तरह से पीटने लगे। राजकुमार के पीटने से मौके पर ही एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसका मर्डर केस काफ़ी लंबे समय तक चला था। कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी लेकिन सबूतों के अभाव में और परिस्थितियों को देखते हुए राजकुमार को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। इसी घटना के कारण राज कपूर राजकुमार को हत्यारा कहते थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।